वो भी पार्क है जहां से सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और ये मुखाग्नि की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, बेहद भावुक पल है ये, हर किसी की आंखें नम है, कोई भी दीदी को अंतिम विदाई देना नहीं चाहता, लेकिन ये अंतिम सत्य भी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके भतीजे आदित्य उनको मुखाग्नि देते हुए शिवाजी पार्क से, तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं राजकीय सम्मान के साथ। आदिनाथ जी उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत के इस अनमोल रत्न का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो उमड़ा हुआ उनके दर्शन के तालाब आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि लता जी ने जो मुकाम हासिल किया वो आने वाली पीढ़ियों को भी गौरवान्वित करेगा, उनको प्रेरित करेगा, उनको प्रेरणा देगा। अब उनको मुखाग्नि दे दी गई है, बेहद भावुक पल, हर किसी की आंखें नम। और ये उनके भाई को भी आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है, और उनके लिए इससे बड़ा भावुक पल और क्या हो सकता है, इससे बड़ा कष्ट का पल और क्या हो सकता है कि जिस बहन ने उन्होंने माता पिता की तरह पाला बड़ा किया, आज उन्हीं के अंतिम सफर को उन्हें देखना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी लता मंगेशकर जी ने निभाई। अपने बहन भाइयों के लिए उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, उनके जो भतीजे हैं आदित्य, उन्होंने उनको मुखाग्नि दी है। थोड़ी देर पहले ही आपने देखा प्रभु कुंज स्थित उनके घर से पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, चाहे बॉलीवुड के दिग्गज शाहरुख खान हों, चाहे क्रिकेट जगत के तमाम लोग हों, सचिन तेंदुलकर हों, और भी तमाम लोग यहां पर पहुंचे जिन्होंने उनको अंतिम विदाई दी। और अब उनके भतीजे आदित्य ने उनको मुखाग्नि दे दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने अंतिम सफर पर लता मंगेशकर, हर किसी की आंखें इस पल नम है। संगीत के सम्मान का कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो स्वर कोकिला के नाम ना हुआ हो। आज हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। कल हम सब ने ज्ञान और संगीत की देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस यानी कि बसंत पंचमी मनाया, और आज सुर की वो देवी जिन्हें हमने देखा सुना, उनके हर एक शब्द को हमने जिया, अब तक जो हमारे बीच थी, आज वो अंतिम सफर पर हैं, वो स्वर सामग्री हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं। ये जो एक खालीपन है, ये शायद कभी नहीं भर सकता, लेकिन जो उनके स्वर हैं, जो उनकी आवाज़ है, जो उनके संगीत हैं, वो निश्चित तौर पर हर किसी को हमेशा उनके होने का एहसास कराएंगे। लता जी की ख्याति, उनका संगीत सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, लोगों के लिए वो संगीत जो जिनके माध्यम से, जिन सुरों से वो, चाहे वो दुखों के पल हों, चाहे वो सुखों के पल हों, चाहे सरहद पर बैठे जवान हों, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुखाग्नि उनको दे दी गई है,